हरियाणा के यमुनानगर जिले में बुधवार को दशहरा कार्यक्रम के दौरान कई लोग उस वक्त बाल बाल बच गए जब वे रावण के पुतले के पास जाने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त जलता हुआ पुतला नीचे गिर गया। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि कुछ लोग जलते हुए पुतले के पास जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यह पूछे जाने पर क्या पुतला किसी दर्शक पर गिरा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजयादशमी पर बुधवार देर शाम रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को भी आग के हवाले किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक से रावण का पुतला जलते हुए लोगों के ऊपर जा गिरा। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही घटना की एक वीडियो क्लिप का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जलता हुआ पुतला कुछ लोगों पर गिरा हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने अस्पतालों में भी जांच की है और पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, किसी को कोई भी चोट नहीं आई। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए दशहरे के अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इससे पहले 2018 में विजयादशमी के दिन पंजाब के अमृतसर में बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त एक बड़े ट्रेन हादसे में अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की थी। यह हादसा अमृतसर और माना वाला के बीच फाटक नंबर 27 के पास हुआ था। यह हादसा जिस वक्त का है उस समय वहां रावण दहन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इसी दौरान DMU ट्रेन नंबर 74943 वहां से गुजर रही थी। रावण दहन के वक्त पटाखों की तेज आवाज के कारण ट्रेन का हॉर्न लोगों को नहीं सुनाई पड़ा, इसकी वजह से यह हादसा हो गया था। रावण जैसे जलाया गया, दहन हुआ, रावण जल के नीचे गिरा लेकिन कोई उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, कोई किसी टाइप की किसी को चोट नहीं लगी है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।